हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको कि घुटना कैसे सेट करें। तो इस रॉड पे जो कट है उस पे हमें इस पार्ट को बांध लेना है जिसे हम कहते हैं उंगली। बांधने के बाद इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। और हाँ, बगैर स्किप करे जो है इस वीडियो को आप देखें ताकि आपको पूरा जो है समझ में आ जाए। देखिए, ये सपोर्टर है, इस सपोर्टर को हमने यहाँ पे ऐसे लगा लेना है। उसके बाद इस चप्पू को ऐसे करके लगाना है। तो सबसे पहले हम इसको जो है इस तरीके से बैलेंस में रख के और चप्पू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे लेवल में लाने के बाद। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है इतने ही लेवल पे इसको बांधना है। तो इस चप्पू को टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद इसको सपोर्टर को टाइट कर लेना है। दोनों टाइट हो गया है, अच्छी तरीके से इसको टाइट कर लिए, क्योंकि इस पर लोड पड़ता है तो ये स्लिप मार जाता है। तो इसको बराबर से टाइट हो गया। देखिए, ये मैंने टाइट कर लिया है और आपको भी ऐसे ही टाइट करना है। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों वी है, दोनों वी को कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो में आप मेरे साथ बने रहें और बगैर स्किप करें वीडियो देखें ताकि आपको पूरा वीडियो देखने का फ़ायदा हो और पूरा समझ में आ जाए। ये एक इंच के चार पेंच ले लेने हैं लकड़ी के, जिस पे हम घुटना टाइट करेंगे। तो इसको हम यहाँ रख लेते हैं इस तरीके से वी को रखने के बाद घुटने को भी हम छोड़ देते हैं। 6.5 इंच, ये तो मेरे अपने हाथ का जो है नाप है, मगर आप जो है इंची टाइप से नापें। 6.5 इंच पटले का जो पैरदान वाला माल वाला हॉल होता है उससे आप 6.5 इंच नाप कर इसको अच्छी तरीके से कस लें। साढ़े 6 इंच होना चाहिए। जब आपने नाप लिया 6.5 इंच है तो फिर इसको पेचकस से अच्छी तरीके से इसको कस लें, क्योंकि इस पे लोड होता है और कई बार ऐसा होता है जब लोड पड़ता है तो ये नीचे निकल जाता है। जब तक मैं घुटना कस रहा हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुँच पाए और वो भी अपने पैरदान में घुटना इसी तरीके से लगा लें। तो एक साइड का मैंने कस लिया है, दूसरे साइड का कस रहा हूँ और जैसा मैंने आपको बताया है वैसे ही करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत इजी और बहुत आसान तरीका है। इसमें आपको ना तो हथौड़ी चलाने की ज़रूरत पड़ती है, ना ज़्यादा मेहनत लगता है और बहुत ही आसानी से आप इसको कस लेते हैं। एक सिर्फ पेचकस की मदद से, बाकी कस के मैं पूरा सेट करके आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों, ये मेरा दूसरा वीडियो है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पे नए हो जो भी भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कस के और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर पन्नी लगी हुई है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए, पन्नी मैंने हटा दिया है और ये घुटना आपका सेट हो गया है। मैं आपको इधर नीचे से चला के दिखा देता हूँ। तो ये हमारा घुटना हो गया सेट। इसी तरीके से आपको भी सेट कर लेना है।